हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट टिंडे की सब्जी। टिंडे की सब्जी एक बहुत स्वाद बनता है और झटपट बनके तैयार हो जाता है। वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी सभी मज़ेदार रेसिपीज आप तक पहुंचती रहे। चलिए देखते हैं टिंडे की सब्जी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। हमने लिया है कुछ टिंडे, 2 कटा हुआ प्याज, 1 कटा हुआ टमाटर, 1 कटा हुआ हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और लहसुन के कुछ कलियाँ। मसाले में नमक, हल्दी, मेथी के दाने, लाल मिर्च पाउडर, सब्जी मसाला। चलिए सबसे पहले हम टिंडे को इसके छिलके निकाल देते हैं। चाकू की मदद से हमें ऐसे करके इसके छिलके निकाल लेने हैं। देखिए टिंडे को हमने अच्छे से इसको छील लिया है, इसके छिलके उतार दिया है टिंडे का। अब हमें जो ऊपर का पार्ट है ना, इसको कटिंग करके ऐसे निकाल देंगे दोनों साइड से। अब हम इसको अच्छे से पहले धो लेंगे। अब हम इसका कटिंग कर लेंगे। कटिंग हम बस 2 फाड़ी ही करेंगे, हम ज़्यादा इसको बारीक नहीं कटिंग करेंगे। देखिए टिंडे को हमने कटिंग कर लिया है। अब हम गैस ऑन करेंगे, गैस पे कुकर रखेंगे। कुकर में टिंडे की सब्जी बहुत झटपट बन के तैयार हो जाती है 5 मिनट में। कुकर को गर्म होने देते हैं। देखिए कुकर गर्म हो गया है, इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देते हैं। देखिए ऑयल अपना गर्म हो गया है, इसमें मेथी दाने डालेंगे। आप चाहो तो इसमें जीरा भी डाल सकते हैं, अगर मेथी के दाने आपको ना पसंद हो तो। मेथी को जलने देते हैं। देखिए मेथी के दाने जल गए हैं, इसमें कुछ कड़ी पत्ता डाल देते हैं। कड़ी पत्ता से स्वाद और बढ़ जाता है। इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च, इसमें डाल देते हैं प्याज कटा हुआ। अच्छे से प्याज को हम फ्राई करेंगे। प्याज अपना भून रहा है, तब तक हम कुछ लौंग लौंग लिए हैं, इसको अच्छे से कूट लेते हैं। पहले लहसुन की कलियां को भी अच्छे से कूट लेते हैं, इसका पेस्ट बना लेते हैं। देखिए हमने लहसुन को कूट लिया, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं कि इसका पेस्ट आसानी से इसका पेस्ट निकल जाए, वेस्ट ना हो। देखिए प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। देखिए टमाटर और प्याज अपना तो फ्राई हो गया है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, सब्जी मसाला डालेंगे 1 चम्मच। अगर आपके पास सब्जी मसाला ना हो, आप धनिया पाउडर, जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे तीखे के हिसाब से। इसमें नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। ये जो हमने पेस्ट बनाया था ना लहसुन का, इसको ऐड कर देते हैं। सभी को मसाले को पकने देते हैं, मसाले को थोड़ा फ्राई करेंगे। देखिए मसाला अपना भून गया है, इसमें हम टिंडे ऐड कर देंगे। टिंडे को थोड़ा फ्राई करेंगे। इसमें पानी हम अभी बिल्कुल नहीं डालेंगे। 1 मिनट हम ऐसे ही ढक के इसको पकने देते हैं। 1 मिनट हो गया है, चलिए देखते हैं। देखिए टिंडे अपने फ्राई हो गए अच्छे से। अब हम इसमें 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे। अच्छे से इसको पहले चला देते हैं। अब हम कुकर को बंद करके 2 सीटी लगने देते हैं। ये देखिए वाह, अपनी सब्जी कितनी अच्छी बनी है, दिखने में भी कितना अच्छा दिख रहा है। अगर आपको इतनी ग्रेवी सब्जी रखनी है तो रहने दीजिएगा। अगर आपको और थोड़ा इसका पानी कम करना है तो गैस ऑन करके और इसका पानी अच्छे से थोड़ा जला दीजिएगा।
देखिए पानी थोड़ा कम हो गया है, जल गया, अब गैस बंद कर देते हैं हम। इतना ही ग्रेवी रखेंगे। और ये देखिए अपने टिंडे भी कितने अच्छे गले हुए हैं, और एक दो टिंडे हम कलछी की मदद से इसको ऐसे मैश कर देते हैं कि इसको थोड़ा ग्रेवी और अच्छे से बन जाए। ये देखिए अपनी सब्जी, टिंडे की सब्जी कितना अच्छा बन गया है। ये देखिए अपनी टिंडे की सब्जी झटपट बन के तैयार हो गई है, खाने में बहुत ही स्वाद है। आप चाहो तो रोटी के साथ खाओ या चावल के साथ खाओ, और कुकर में ये 5 मिनट में बन के तैयार हो जाता है।